आजकल की भागम भाग भरी ज़िंदगी में हम लोग अपने हेल्थ का ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते। इम्यूनिटी तो कमज़ोर हो ही जाती है, साथ साथ हमारा पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम खाने पीने का ध्यान नहीं देते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी इफेक्टिव सी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप एक कटोरी दही को इस तरह से खाएंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में इतने सारे फायदे होंगे कि आप इसे देख के ही चौंक जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि दही जो होता है एक ऐसा प्रोबायोटिक होता है जो हमारे पेट के अंदर की बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ करता है, जिससे हमारा डाइजेशन बूस्ट होता है और पाचन तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, इसमें हम कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे, उसको हम थोड़ी देर के लिए सोक कराएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि दही को आपको कैसे खाना है। दोस्तों, इसमें बादाम है, पिस्ता है और थोड़ी सी इसमें किशमिश है। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, यानी आप जो ड्राई फ्रूट्स होता है जो खाते हैं उसको इस तरह से दही में एक बार मिला के खाना स्टार्ट करें, फिर आप देखिए इसके चमत्कारिक फल को। अभी मैं आपको वीडियो में बताते जाऊँगी साथ साथ इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों में आपको इसको लेना चाहिए और किस तरह से आपको लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि रोज़ाना अगर हम बादाम पिस्ता एक साथ खाते हैं तो ये हार्ट के लिए हमारे बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि पिस्ता में पोटेशियम होता है जो हार्ट में हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बादाम में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हार्ट को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। इसलिए दिल की बीमारी से बचने के लिए आपको पिस्ता और ये बादाम, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर इसमें यूज़ करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, अगर आप हीमोग्लोबिन की कमी से बहुत परेशान हैं तो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक सी चीज़ है। अगर आप खाली पेट रोज़ ब्रेकफास्ट में बादाम और पिस्ता को चॉप करके फाइन फाइन सा चॉप कर लीजिए, उसके बाद एक कटोरी दही लीजिए। देखिए, दही गाढ़ी वाली है, आप गाढ़ी वाली दही भी यूज़ कर सकते हैं, घर में जो जमाते हैं आप उस तरह की दही भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप एक कटोरी दही लीजिएगा एक दिन में, सुबह के टाइम पर एक कटोरी दही लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसमें बादाम है, पिस्ता, इसको फाइन सा चॉप कर लीजिए। अभी आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से बना रहे हैं। तो दोस्तों, बादाम और पिस्ता ये दोनों चीज़ जो होती है ये हमारे हड्डियों को भी मजबूत करती है। जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कैल्शियम की कमी है, तो ये कैल्शियम को भी पूरी तरह से भरता है। दोस्तों, अगर आप काफ़ी दुबले पतले हैं, आपको वेट बढ़ाने के लिए बहुत परेशान है, तो भी ये बहुत इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि इसको खाने से आपका वेट बढ़ेगा, ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा। तो जो लोग कमज़ोर हैं उनकी कमज़ोरी को दूर करेगा और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो ब्रेकफास्ट में आप इसे भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे वेट बढ़ेगा तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ना खाएं, वो भी इसे खाएंगे। क्योंकि सबसे मेन हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, जब डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होने से वेट भी बढ़ता है और कमजोरी भी होती है, दोनों चीज़ की परेशानी होती है। ये हमारे मसल्स को गेन कराता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है। दरअसल पिस्ता में जो होता है फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसलिए इन चीज़ों को देखिए हम कैसे किए हैं, दही को ले लिए कटोरी, इसमें इन चीज़ों को छोटा छोटा सा फाइन सा चॉप करके इसको इसी तरह से इसके अंदर सोक करा दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के रख दीजिए। यानी जब आपको ब्रेकफास्ट करना है ना, तो सुबह के टाइम पर आप इस काम को कर सकते हैं। और ये बात देखिए, जैसे विंटर में ले रहे हैं तो दही को खट्टी बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ करिएगा, जिससे आपको इसकी कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। और इसमें देखिए मीठे में आप शहद मिलाइए, शहद जो होता है इसमें भी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेट के आंत के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं उनकी जो बैड बैक्टीरिया होती है ना उनको डेट करता है, और पेट के अंदर किसी भी तरह के घाव हैं, छाले हैं, तो उनको भी मरहम करने का काम करता है। इसलिए शहद इसमें मैं रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप शहद नहीं लेते तो इसमें गुड़ लीजिएगा, चीनी नहीं डालिएगा, चीनी डालने से वेट भी बढ़ता है। और दोस्तों, चीनी अगर आप खाना चाहते हैं तो चीनी भी खा सकते हैं, अगर आप नॉर्मल, आपको किसी भी तरह के डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, शहद को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इन चीज़ों को मिक्स करके ढक के ढक्कन से आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए, 10 मिनट या 5 मिनट, जिससे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर अच्छे से थोड़े से फूल जाएं। जब ये फूल जाते हैं ना तो इसका इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगा दीजिए, सुबह के टाइम के इनके छिलके को उतार के, बादाम वगैरह के, तब भी आप इसे चॉप करके इस तरह से 5 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं। यानी आप इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी दही में ऐड करके खा सकते हैं, या इस तरह से फाइन सा चॉप करके आप इसको खा सकते हैं। अब ये देखिए हमने इसको पूरी तरह से मिक्स कर दिया अच्छे से प्रॉपरली, अब इसे ढक्कन से ढक दिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट इसी तरह से भिगा के रखेंगे। दोस्तों, जो लोग फास्ट करते हैं ना, व्रत करते हैं, एक बार आप इसे सुबह सुबह खा के देखिए, पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी, इतना एनर्जी देता है। मैं 16 सोमवार का व्रत रखती हूँ तो अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ। दोस्तों, दिन भर भूख नहीं लगती है और आराम से इतनी एनर्जी बॉडी में रहती है कि आप कितना भी काम करें आपको थकान नहीं लगेगी। तो ये
बहुत ही बढ़िया सा हमारे बॉडी को बूस्ट करने का भी काम करता है, एनर्जेटिक ही हमारा जो ब्रेकफास्ट बन के तैयार होता है। तो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं जल्दी जल्दी में, आप नहीं कुछ बना के खा पाते हैं, तो इसको आप ज़रूर खाना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके शरीर में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, ये सारी जितने भी हेल्पफुल हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमारे बॉडी में जो कमी होती है ना, उनको ये पूरा करता है। तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को दही में भिगा के खाना स्टार्ट करें, फिर आप देखिएगा इसके चमत्कार को। हमने जो आपको फ़ायदे बताए ना, इससे कई और भी फ़ायदे हैं। ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हाई बीपी के जो पेशेंट हैं वो भी इसको खा सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम से जो लोग परेशान हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी मलाई वाली दही ना लें, बिना मलाई वाली दही में यूज़ करके आप इसे इस तरह से खा सकते हैं। तो ये कई सारी बीमारियों के, डायबिटिक पेशेंटों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर वो इस तरह से दही को यूज़ करके खाते हैं। बस उसमें मीठा ना ऐड करें, थोड़ा सा इसमें चाहें तो जो शुगर फ्री हनी आती है उसको आप इसमें ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करिए दोस्तों, आपकी ये जो इतनी सारी बीमारियां होती हैं ना, उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ आपके शरीर के खून की कमी को दूर करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। अर्थराइटिस के जो लोग बहुत परेशान होते हैं ना, वो बिल्कुल ताज़ी दही यूज़ करेंगे, बासी दही नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह से फ्रेश दही में आप खाएंगे तो आपको ये फ़ायदा देगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इसके कितने सारे फ़ायदे, एक बार आप ज़रूर इसे यूज़ करके देखिए। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं या फिर अपने हेल्थ के लिए आप सोच रहे हैं कि हमें अपने हेल्थ को सुधारना है, तो इसे आप जरूर यूज़ करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप पॉजिटिव फीडबैक जरूर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करिए, कोई चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री होता है। और मैंने कई सारे ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसे देखिएगा। उसमें बहुत सारे फूड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।